आज इस वीडियो में आप लोगों को एक फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं जो कि HDFC बैंक की तरफ से निकाली गई है। इस स्कॉलरशिप का फायदा स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट सभी लोग ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा अमाउंट आप लोगों को आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा अगर इस स्कॉलरशिप में आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसके लिए आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं देना, जस्ट आप लोगों को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी आप फ्री में फिल कर सकते हो, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। इस फॉर्म के बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो स्कॉलरशिप है आप लोगों को HDFC बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, जिसका नाम परिवर्तन ECSS प्रोग्राम रखा गया है। अगर आप लोग 2023 में 24 में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करो, बहुत ही अच्छा अमाउंट पे किया जा रहा है। ये जो इनिशिएटिव है वो HDFC बैंक की तरफ से कराया जा रहा है, जो कि जो भी स्टूडेंट मेरिटियस स्टूडेंट हैं या नीडी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अंडर प्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, सभी स्टूडेंट जो हैं वो इस स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं। देखो, अगर आप लोग फर्स्ट से लेकर 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप लोग स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हो। डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक या UG या फिर PG डिग्री कर रहे हो तो आप लोग फायदा ले सकते हो। कंप्लीट डिटेल मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा। देखो, अगर आप लोग और भी फ्री कोर्सेज, इंटर्नशिप, जॉब लेना चाहते हो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे देख सकते हो। आज ही हम लोगों ने ChatGPT से रिलेटेड कुछ फ्री कोर्सेज शेयर किए थे, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ वहां पर शेयर की जाती है। बाकी एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, जो बच्चे इस टाइम पे गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग अपनी MTech की डिग्री IIT से करना चाहते हो तो गेट एग्जाम आप लोगों का एक गेटवे हो सकता है IIT का। और इस टाइम पे फिजिक्स वाला की तरफ से देखो, इस टाइम पे बहुत ही अच्छे ऑफर निकाले गए हैं इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, और आप लोगों को फिजिक्स वाला देख रहा है सब दे रहा है सपने देखने की आजादी। बच्चे अब अपने सपने को पूरा भी कर पाएंगे इनके कोर्सेज की हेल्प से। आप लोगों को ऐसी स्किल सिखाई जा रही है बेस्ट एजुकेटर से। अभी कुछ बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे प्राक्रम 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जिसकी कॉस्टिंग ओनली 5500 रखी गई है। इसके अलावा श्रेष्ठ बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। इस बैच में आप लोग को PSU एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्लेसमेंट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोग को इस बैच में कराई जा रही है। यानी 2-3 कोर्सेज का बेनिफिट एक सिंगल कोर्स में आप लोग को मिल रहा है, और ये इस कोर्स के प्राइस 11999 रखी गई है। यहाँ पे किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। गेट 2026 एक्सपीरियंस के लिए भी एक श्रेष्ठ बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी कॉस्टिंग 15999 रखी गई है। और एक विजय बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि रैंक इंप्रूवमेंट एंड ड्रॉपर बैच है, जिसकी कॉस्टिंग 24999 रखी गई है। इसके अलावा ESC का एक नॉन टेक बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जो जनरल स्टडीज के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इस बैच को चेक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट ओनली 2999 रखी गई है। ये सारे बैचेस में आप लोगों को बेस्ट एजुकेटर मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाता है, DPPs का एक्सेस मिल जाता है, और आप लोग को फिजिक्स वाले की टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है फिजिक्स वाले की तरफ से, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। हर एक ब्रांच के लिए आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है। इसके अलावा फिजिक्स वाला की आप बुक भी चेकआउट कर सकते हो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जिससे आप लोग सेल्फ स्टडी खुद से पढ़ सकते हो, टॉपिक वाइज आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है इस बुक की हेल्प से। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आप लोग को एक स्पेशल कूपन कोड बता देता हूँ, TM500। ये स्पेशल कूपन कोड अगर आप लगाते हो किसी भी बैच में तो आप लोग को इंस्टेंट ₹500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप लोगों को इन कोर्सेज की और ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो अभी आप लोग फायदा ले सकते हो। अब बात करते हैं जो बच्चे नई स्किल सीखना चाहते हैं, जो बच्चे फ्री स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं HDFC बैंक की, वो कैसे ले सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, HDFC बैंक की तरफ से ऑफिशियली ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। HDFC बैंक की आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये जो स्कॉलरशिप आपको बड़ी फॉर स्टडी पोर्टल पे देखने को मिल जाएगी, इस स्कॉलरशिप को पहले भी लॉन्च किया गया था, जैसे आप लोग देख सकते हो 2022 में और 21 में भी लॉन्च किया गया था। ये प्रीवियस ईयर स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स हैं, जो बच्चों के रिजल्ट आ भी चुके हैं। यहाँ पे देखोगे हजारों बच्चों के ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी लास्ट ईयर में मिल चुके हैं, जब मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई थी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम अप्लाई तो करते हैं भैया, बट सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता भी है, ऐसा नहीं है किसी का नहीं होता है, आप में से ही होते हैं वो बच्चे भी। बस आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा अच्छे से फिल करना होता है, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना होता है, जो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, ये स्कॉलरशिप 3 पार्ट में डिवाइड है। एक स्कॉलरशिप है स्कूल स्टूडेंट के लिए, दूसरी स्कॉलरशिप है यूजी स्टूडेंट के लिए जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, जैसे BBA हो गया, BTech हो गया, BCA हो गया, BSc हो गया, और एक स्कॉलरशिप है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, जैसे
एमटेक हो गया, एमसीए हो गया, एमकॉम हो गया, तो इन तीनों स्कॉलरशिप के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। पहली स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट के लिए है। देखो इस स्कॉलरशिप के लिए आप लोग फर्स्ट क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास के बीच में पढ़ रहे होने चाहिए इस टाइम पे स्कूल में, या फिर आप डिप्लोमा इस टाइम पे कर रहे हो, या फिर आईटीआई कर रहे हो, या फिर पॉलिटेक्निक कोई कोर्स कर रहे हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कोर्स आप कोई भी कर रहे हो। देखो अगर आप लोगों ने कोई और भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो भी आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस भी स्कॉलरशिप में आपको सिलेक्शन होता है उससे आप फायदा ले सकते हो। इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो कि प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन एग्जाम है आपका उसमें मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाएगी जिनकी फैमिली में ज्यादा इश्यूज हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और जो भी कोर्स से रिलेटेड इशू आ रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। और इंडियन नेशनल्स के लिए ये स्कॉलरशिप ओपन है। अगर आप फर्स्ट से सिक्स क्लास में तो 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, वन टाइम स्कॉलरशिप है, सीधा बैंक में आप लोगों को ये अमाउंट मिल जाएगा। सेवंथ से ट्वेल्थ क्लास में वो डिप्लोमा हो तो 18,000 रुपए की ये स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। उसका सेकंड स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री वाली है। देखो अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो जनरल कोर्सेज होते हैं जैसे बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीसीए हो गया, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, एलएलबी हो गया, नर्सिंग हो गया, इस टाइप के जितने भी 3 या 4 साल के कोर्सेज होते हैं सारे एलिजिबल हैं इस वाली स्कॉलरशिप के लिए। इस स्कॉलरशिप में भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, बस आप लोगों को स्कॉलरशिप अमाउंट थोड़ा ज्यादा दिया जा रहा है। अगर आप जनरल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हो तो 30,000 रुपए आपके अकाउंट में मिलेंगे, बैंक में मिलेंगे। प्रोफेशनल डिग्री करो तो 50,000 रुपए आपके बैंक में मिलेंगे। थर्ड स्कॉलरशिप है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले यानी कि एमकॉम एमए वाले स्टूडेंट के लिए, एमटेक एमबीए वाले स्टूडेंट या फिर इस टाइप की जो भी आप डिग्री कर रहे हो, इस स्कॉलरशिप में आपको अप टू 75,000 रुपीज एक बार में यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। अगर आप जैसे प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमटेक कर रहे हो आप लोग तो 75,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को इन स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, तो हर एक स्कॉलरशिप के लिए आपको एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगी जो कि आप लोग ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, भी मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस। एक प्रीवियस ईयर के मार्कशीट चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हो। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ देना होगा कि आप लोगों ने कॉलेज में स्कूल में जहां भी एडमिशन कराया। एप्लीकेंट की बैंक पासबुक दे सकते हो आप लोग, या फिर अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो अपनी फैमिली मेंबर्स में से पेरेंट्स के दे सकते हो। इनकम प्रूफ आपको ऐड करना होगा और एक प्रूफ ऑफ फैमिली पर्सनल क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस अगर फेस कर रहे हो तो वो ऐड कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स थे इस स्कॉलरशिप के लिए। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन कैसे होगा स्कॉलरशिप में, तो देखो ये जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस पे दी जाएगी, यानी जिस बच्चे के मार्क्स ज्यादा होंगे अपनी प्रीवियस क्लास में उनको मिलने वाली है पहले, उसका धीरे धीरे प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी जिन बच्चों को ज्यादा जरूरत है, फाइनेंशियली इशूज आ रहे हैं, नीडी पीपल जो है उनको भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है, उनको भी ये मिलेगी। तो सिलेक्शन की सीधी सीधी प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, वो सही होने चाहिए। तीसरा आपका एक पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है जो कि मोबाइल पे होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ आप लोगों को जो भी फाइनल लिस्ट होगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, आपका जो मोबाइल नंबर दोगे वहां पे आपको बता दिया जाएगा, ईमेल आईडी पे भी आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो वो आप लोग यहां पे इनके डाउट चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन की डेडलाइन की बात करें तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन की डेडलाइन 30 सितंबर है, यानी 30 सितंबर से पहले पहले आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड एप्लीकेशन डेडलाइन 31 दिसंबर है, जो सेकंड इनका कोरेंट स्टार्ट होगा स्कॉलरशिप के लिए वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब स्टार्ट होगा। तो ये डेडलाइन वगैरह थी। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है स्कॉलरशिप के लिए, लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पे सारी डिटेल आप लोगों को स्कॉलरशिप की मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करने पे अप्लाई बटन भी मिल जाएगा, तो इस पेज पे आप लोग आओगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। एक जीमेल अकाउंट आप लोगों को चाहिएगा, अपने पेरेंट्स का या फिर खुद का ही बनाइएगा, मेरा तो सजेशन यही रहेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर करिएगा। चेक योर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है। पर्सनल डिटेल में आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, आधार कार्ड पे जो ओटीपी आता है वो वेरीफाई करना होगा, क्योंकि 100% जेन्युइन प्लेटफॉर्म है तो 100% जेन्युइन तरीके से ये एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना होगा, मोबाइल से फिल कर सकते हो। दूसरा एजुकेशन डिटेल डालनी है, 12th में कितने मार्क्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, ये सारे पेंडिंग है अभी देख सकते हो। उसके बाद फैमिली मेंबर में जो भी आपका इनकम करता है, जैसे फादर आपके इनकम में है, जॉब कर रहे हैं, उनकी डिटेल आप लोगों को ऐड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जेपीजी वगैरह फाइल वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, वो सारी डिटेल ऐड करिएगा। रेफरेंसेज उसके बाद पूछा जाता है, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, आपके टीचर वगैरह का रेफरेंस दे सकते हो जो कि आपके फैमिली क्राइसिस से पता हो जिनको, या फिर आपकी स्टडीज के बारे में जिनको पता हो। उसके बाद बैंक डिटेल्स आप लोगों को ऐड करनी है, और उसके बाद मोर अबाउट योर कुछ बेसिक से क्वेश्चन के आपको
आंसर करना है, प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएगा विद इन कुछ डेज के बाद, जब ये स्कॉलरशिप डेट ओवर हो जाएगी जो कि 30 सितंबर है, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट भी पता चल जाएगा, आपकी मेल आईडी पे रिजल्ट आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे रिजल्ट पता चल जाएगा, और इसी सेम वेबसाइट पे आके आप लोग सेम वीडियो पे क्लिक करके भी रिजल्ट जान सकते हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों को जरूर बता देना यार, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।